हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल पे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई है और गर्मी शुरू होने पर सबसे ज़्यादा परेशानी होती है मच्छरों से। छोटे बच्चों का ख्याल कैसे रखें? बच्चों को दाने हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन लग जाती है, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं नवजात शिशुओं को बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवजात शिशु का गर्मी में ख्याल कैसे रखें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मी शुरू होते ही नवजात शिशु को छोटी छोटी परेशानियां होने लगती हैं, या जो पहली बार माता पिता बने हैं वो बच्चे का ख्याल रखने को लेकर बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उनके मन में चलते हैं कि बच्चे को एसी में लिटाएं ना लिटाएं, या बच्चे को कितनी बार नहलाएं, बच्चे की मालिश गर्मी में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो आपको गर्मी में फॉलो करने हैं बच्चे का ख्याल रखते हुए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि आपको बच्चे को हमेशा कॉटन के पतले कपड़े ही पहनाने हैं। देखिए, बच्चों के लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा फैंसी क्लोथ्स आते हैं, आप सभी जानते हैं, बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल के आते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे उसमें कंफर्ट फील नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों के लिए गर्मी में जो छोटे छोटे झबले आते हैं कॉटन के, वो पहनाए बच्चों को, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, साबुन और ये शैम्पू और ये सब चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, इनको इस्तेमाल करने से थोड़ा सा आपको बचना है, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी हानिकारक हो सकती हैं। कैसे कि अगर आप इनका बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं तो इससे बच्चे की स्किन रूखी हो सकती है, तो बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप अपने बच्चे को दो बार नहला रहे हैं तो एक बार इस्तेमाल कीजिए सुबह को, और शाम को आप पानी से अच्छे से बच्चे को नहला दीजिए। हल्का सा बेसन और दही लगा सकते हैं आप बच्चे को, ये जो घरेलू प्रोडक्ट होते हैं बच्चे को नुकसान नहीं देते हैं, तो इनसे भी आपको बचना चाहिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों, टैल्कम पाउडर। देखिए, हम गर्मियाँ शुरू होते ही बच्चे को भर भर के पाउडर लगाना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि इससे बच्चे की स्किन ठंडी रहेगी, इससे बच्चे को दाने नहीं होंगे, इससे बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि गर्मी के मौसम में बच्चों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिससे कि जो ज़्यादा अधिक अगर एक्सेस में टैल्कम पाउडर लगाया जाता है तो बच्चे की स्किन पर चिपक जाता है, इससे भी बच्चे को स्किन संबंधी समस्याएं होने लगती हैं, क्योंकि टैल्कम पाउडर बच्चों की स्किन में जम जाने के कारण बच्चों का जो पसीना है अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ है दोस्तों, डायपर। नवजात शिशु को अगर आप डायपर पहना रहे हैं तो इस चीज़ का बहुत अधिक ध्यान रखना है कि डायपर कभी भी गंदा हो। अगर बच्चे ने थोड़ी सी भी पॉटी करी है तो उसको तुरंत चेंज कर दीजिए, कभी भी आपको देरी नहीं करनी है। अगर आप 24 घंटे बच्चों को डायपर पहनाते हैं सर्दी के मौसम में, तो गर्मी के मौसम में आप बच्चे को 3 से 4 घंटे लंगोटी पहनाकर भी रखिए या फिर खुला भी रहने दें, जिससे बच्चे की स्किन को सांस लेने में मदद मिलती है, बच्चे की स्किन सही रहती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ है दोस्तों, तेल मालिश। जैसे कि मैंने तेल मालिश के ऊपर दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस दी हैं, तेल मालिश बच्चों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर आप बच्चों की तेल मालिश कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहली चीज़ दोस्तों कि बच्चे की तेल मालिश हमेशा बहुत अधिक गर्म तेल से ना करें, थोड़ा सा ठंडा ऑयल लें, जैसे कि नारियल का तेल गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि किसी भी तरह का संक्रमण हो, किसी भी तरह के दाने हो, बच्चों की स्किन संबंधी समस्याएं हो, उन सबको ठीक करने के लिए नारियल का तेल बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तो गर्मी के मौसम में आप बच्चों की मालिश बच्चे को नहलाने से पहले करें। इसके बाद जब आप बच्चे को नहलाते हैं तो बच्चे की स्किन को अच्छे से क्लीन करें, कहीं भी ऑयल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर कहीं भी ऑयल रह जाता है तो वहां पर बच्चों को दाने वगैरह होने की समस्या हो सकती है, और ये बच्चे के लिए काफी नुकसानदायक भी हो सकता है।
अगली चीज है कि बच्चों को कम से कम 2 बार तो नहलाएं। देखिए जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, मई जून का महीना शुरू हो जाएगा, बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, तो ऐसे में आप बच्चे को कम से कम 2 बार नहलाएं। इससे बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो उसको बाथ टब में भी खेलने दें, इससे भी बच्चा काफी इंजॉय करता है और बच्चे के शरीर को ठंडक मिलती है। बच्चे को हाइड्रेट रखें। देखिए अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तब तो आपको बच्चे को पानी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चों को माँ का दूध ही पर्याप्त रहता है। बच्चा माँ का दूध पीता है, उससे ही बच्चे को संपूर्ण पानी मिल जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो बच्चे के लिक्विड का ध्यान आपको बहुत अधिक रखना है। बच्चे को समय समय पर दूध, बच्चे को समय पर पानी और समय पर जूस देते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा हाइड्रेट रहेगा बच्चा उतना ही कम बीमार होगा, क्योंकि पानी की कमी से बच्चे को उल्टी, चक्कर सब हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ गर्मी में हो जाती हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कीड़े मच्छरों से आपको बचाना है। देखिए अगर आप बच्चे को बाहर लेकर जा रहे हैं तो बच्चे को हमेशा फुल स्लीव्स के पतले कपड़े पहनाकर लेकर जाएं, रोल ऑन बच्चे को लगाकर लेकर जाएं, बच्चे के सिर को कवर रखें। अगर आप धूप में कहीं जाना आपको पड़ रहा है तो कैप लगाकर जरूर लेकर जाएं, क्योंकि नवजात शिशु को हल्की सी भी गर्मी बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकती है, उल्टी दस्त जैसी समस्याएं बच्चे को हो सकती हैं, तो इस चीज़ का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। इसके अलावा है दोस्तों, अगर बच्चे को घमौरियाँ हो जाती हैं, देखिए गर्मी के मौसम में बच्चा जब सीधा लेटा रहता है, नवजात शिशु है, करवट भी लेना नहीं जानता है, लेटे लेटे कभी कभी बच्चे की जो कमर होती है वहाँ पर छोटे 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 दाने हो जाते हैं, तो तब आपको क्या करना है? देखिए सबसे पहले तो बच्चे को हमेशा आपको करवट दिलाकर लेटाना है। थोड़ा थोड़ा कोशिश करें कि बच्चा थोड़े समय सीधा लेटे, थोड़ा समय बच्चा टेढ़ा लेटे, इस तरीके से आपको मैनेज करना है। इसके बाद आप हल्का सा गोले का तेल उस पर लगा सकते हैं, वरना दोस्तों बाजार में एक कैलेमाइन लोशन आता है, वो आप बच्चे की कमर पर लगा सकते हैं, इससे भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल मिलाकर बच्चे की कमर पर लगा सकते हैं और थोड़ी देर बाद उसको पोंछ दीजिए। दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि घमौरियां गर्मी के कारण होती हैं, और जब बच्चे को कोई भी ठंडी चीज लगाई जाती है तो इससे बच्चे को काफी रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन बच्चों की साफ सफाई का भी आप लोगों को दोस्तों बहुत ध्यान रखना होगा। देखिए नवजात शिशु की स्किन लगने की जो समस्या है गर्मी में बहुत ज्यादा हो जाती है, बच्चों के अंडर आर्म्स लग जाते हैं, बच्चों की जो नेक का एरिया होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा दाने और ये सब हो जाता है पसीना जमने के कारण, कान के पीछे की स्किन बच्चों की लग जाती है, अंडर आर्म्स बच्चे की लग जाते हैं, थाई बच्चे की लग जाती है। तो दोस्तों बच्चे के इन सारे जो कट होते हैं, जो बच्चे के आप अच्छे से केयर अगर नहीं करते हैं तो आप बच्चे को बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। जब भी आप बच्चे की मालिश करें तो अच्छे से यहाँ पर ऑयलिंग करें, और जब आप बच्चे को नहलाएं तो साबुन लगाकर अच्छे से वॉश करें, उसके बाद टॉवल से पूरा अच्छे से सूखा दें, फिर बच्चे को कपड़े पहनाएं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में हम बच्चे को ये सारे जो एरियाज होते हैं उनको क्लीन नहीं कर पाते हैं, जिससे बच्चे को यहाँ पर गंदगी और पसीना जमने के कारण स्किन कटने लगती है, तो इस चीज का भी दोस्तों आप लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ये थे वो टिप्स जो आप अगर गर्मी में फॉलो करते हैं तो आपके नवजात शिशु को कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब वो बात है दोस्तों कि बच्चे को एसी में लेटाना चाहिए ना या नहीं चाहिए। अक्सर दोस्तों जब नवजात शिशु होता है तो ये परेशानी बहुत सारे माता पिता को होती है कि क्या हम बच्चे को एसी में लेटा सकते हैं। दोस्तों आप बच्चे को एसी में लेटा सकते हैं, लेकिन बस आपको क्या करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है। आपके जो एसी का टेम्परेचर है वो 26 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना है, केवल 26 डिग्री से आपको 30 डिग्री के बीच में, या फिर कहूं कि आप 25 से 28 के बीच में भी रख सकते हैं, तब भी बच्चा आपका स्वस्थ ही रहेगा। उम्मीद करती हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।